रेलवे की बड़ी घोषणा, 1 जून से चलेंगी नॉन एसी ट्रेनें, IRCTC पर होगी टिकटों की बुकिंग। नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन के बीच रेलवे ने आज महत्वपूर्ण ऐलान किया है। रेलवे अब नॉन एसी ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। 1 जून से देश में रोजाना नॉन एसी टाइम टेबल वाली ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी बताया है कि इन ट्रेनों की संख्या 200 होगी। 1 जून से चलने वाली इन नॉन एसी श्रेणी की ट्रेनों की बुकिंग ऑनलाइन उपलब्ध होगी। हर कोई नागरिक अब इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। वर्तमान में रेलवे द्वारा देश भर में कई राज्यों में फंसे श्रमिकों को उनके गृह क्षेत्र में पहुँचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त भारतीय रेल 1 जून से प्रतिदिन 200 अतिरिक्त टाइम टेबल ट्रेनें चलाने जा रहा है, जो कि गैर वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की ट्रेन होगी। अब इन ट्रेनों की बुकिंग IRCTC पर ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। ट्रेनों की सूचना शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसका ऑपरेशन टाइम टेबल के हिसाब से होगा। बताया जाता है कि इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट टिकट भी मिल सकते हैं, लेकिन तत्काल जा प्रीमियम तत्काल जैसे व्यवस्था नहीं होगी। इन ट्रेनों की बुकिंग भी IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही होगी। बुकिंग किस दिन से शुरू होगी, इसकी घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी जानकारी दी है कि अगले 2 दिनों में भारतीय रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या प्रतिदिन 400 कर देगा। सभी प्रवासियों से अनुरोध है कि वे जहां रहें, भारतीय रेलवे अगले कुछ दिनों में उन्हें घर वापस ले आएगी। गोयल ने कहा कि राज्य सरकारों से आग्रह है कि श्रमिकों की सहायता करें तथा उन्हें नजदीकी मेन लाइन स्टेशन के पास रजिस्टर करें, लिस्ट रेलवे को दे, जिससे रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए। श्रमिकों से आग्रह है कि वो अपने स्थान पर रहें, बहुत जल्द भारतीय रेलवे उन्हें गंतव्य तक पहुंचा देगा। कोरोना संक्रमण के संकट के समय भारतीय रेल यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा के साथ उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।